अगर बचना है तो ऐसा हमको करना पड़ेगा जिससे कि कम से कम हम पर्यावरण में प्रदूषण फैलाएं। इसलिए आप बहुत सुन रहे होंगे, आपस में चर्चा भी बहुत हो रही होगी, और विशेषकर इस क्षेत्र में जहाँ धान की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। तो जैसा कि नाथ जी ने बताया कि हम जो भारत जो है वो इतना कृषि का उत्पादन करता है कि हम खुद अपनी अपनी जितनी भी ज़रूरत है उनको भी पूरा करते हैं और बाहर भी भेजते हैं। तो इसी कारण बहुत सारे पराली और बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने हैं जिसको किसान भाई शायद सहूलियत के चलते जला देते हैं, लेकिन इसके कारण क्या नुकसान हम प्रदूषण में का हो रहा है हमारा, इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है। तो अभी तक जैसे हम लोग ये सोचते थे कि हम लोग अपनी लैब में कोई रिसर्च करेंगे और वो लैब का जो रिसर्च है वो आगे जाकर के आप लोगों तक जाएगा और आखिरी कड़ी तक जाएगा, लेकिन अभी इतना सब होने के बाद भी जब बहुत परिवर्तन नहीं दिखता है देश में, तो आज की सरकार ने ये सोचा है कि इसका उल्टा करके देखें, पहले आपकी जो समस्या है उसको समझ करके फिर हम लैब में जाकर उसका सलूशन निकाल के लेके आए। तो मुझे लगता है ये जो 180 फेज शिफ्ट एकदम से परिवर्तन जो सोच में आया है, वो परिवर्तन जो है वो जरूर हमारे देश को जो बहुत वैसे ही अच्छा और सब तरह से समृद्ध देश है उसको वापस और समृद्ध बना पाएगा। इसी प्रयास में ये आयोजन है कि हम सब आपके साथ समझना चाहते हैं कि ये जलाने से आपको क्या समस्या, क्या जलाने से आपको क्या लाभ होगा, जबकि इससे तो वायु में प्रदूषण ही हो रहा है। तो अगर आप नहीं जलाएंगे तो हम क्या अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इसमें दे सकती है।